Pemphigus. This topic is for GNM second year, Medical Surgical Nursing Part 2. Pemphigus is a disease that causes blisters and sores on the skin or mucous membrane, such as in the mouth or in the genitals. तो पेम्फिगस एक स्किन डिजीज है जिसमें जो है ब्लिस्टर्स हो जाते हैं. ब्लिस्टर्स मतलब होता है ये इस तरीके के दाने होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है. ब्लिस्टर्स का मतलब छाले जैसे होते हैं, उसी को हम इंग्लिश में ब्लिस्टर्स बोलते हैं. तो जिन दानों में पानी भरा होता है उन्हें हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं. एंड सोर्स ऑन द स्किन, तो इसमें ब्लिस्टर्स या फिर सोर्स जो है स्किन पे होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे होते हैं. जैसे कि जेनाइटल्स में हो जाते हैं, इसमें सोर्स माउथ में हो जाते हैं और स्किन कोई भी कहीं पर भी आउटर स्किन में भी हो जाते हैं. एंड इट कैन अकर एट एनी एज, ये कोई भी एज में हो सकता है. बट इट्स मोस्ट ऑफन सीन पीपल हु आर मिडिल एज और ओल्डर. और ज़्यादातर मिडिल एज वालों में या फिर जो ओल्ड पीपल हैं उनमें होता है ये. एंड इट टेंड्स टू बी अ लॉन्ग लास्टिंग क्रॉनिक कंडीशंस एंड समटाइम्स कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग विदाउट ट्रीटमेंट. और ये कभी कभी जो है लॉन्ग लास्टिंग कंडीशन होता है और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो. ट्रीटमेंट विद मेडिकेशन यूजुअली कंट्रोल्स इट. तो ट्रीटमेंट अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो पेम्फिगस को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसको क्योर नहीं कर सकते. देर इज़ नो क्योर ऑफ पेम्फिगस, वी कैन ओनली कंट्रोल पेम्फिगस. Pemphigus causes blisters on your skin and mucous membrane. The blisters rupture easily, leaving open sores which may ooze and become infected. तो इसमें क्या होता है कि ये जो blisters होते हैं, जो दाने होते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, ये अपने आप ही फट जाते हैं और फटने के बाद ये open sores हो जाते हैं. और ये open sores जो है इनमें easily infection होने का डर होता है. The sign and symptoms of two common types of pemphigus are as follows. तो दो तरीके के pemphigus होते हैं, एक होता है pemphigus vulgaris और दूसरा होता है pemphigus foliaceus. Pemphigus vulgaris is a type usually begins with the blisters in your mouth and then on your skin or genital mucous membrane. तो ये start mouth से होते हैं और फिर उसके बाद skin पे आता है और जेनाइटल म्यूकस मेम्ब्रेन में आता है. द ब्लिस्टर्स टिपिकली आर पेनफुल बट डज नॉट इच. तो ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं पेम्फिगस वल्गैरिस में, जो ब्लिस्टर्स होते हैं ये पेनफुल होते हैं पर इसमें इचिंग नहीं होती. ब्लिस्टर्स इन योर माउथ और थ्रोट में मेक इट हार्ड टू स्वॉलो और एंड ईट. तो जो ब्लिस्टर्स जो माउथ और थ्रोट में होते हैं उनसे जो है खाना खाने में परेशानी होती है. तो पेम्फिगस वल्गैरिस में माउथ और थ्रोट से ब्लिस्टर्स स्टार्ट होते हैं, फिर स्किन पे आके और फिर जेनाइटल्स में आ जाते हैं. और इसमें जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो पेनफुल होते हैं और उसमें इचिंग नहीं होती ये पेम्फिगस वल्गैरिस में. पर पेम्फिगस फुलेशियस में दिस टाइप कॉसेस ब्लिस्टर्स ऑन द चेस्ट, बैक एंड शोल्डर्स. इसमें जो है ब्लिस्टर्स चेस्ट में होते हैं, बैक में होते हैं, शोल्डर्स में होते हैं. द ब्लिस्टर्स टेंड टू बी मोर इची दैन पेनफुल. और यहाँ पे जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा इची होते हैं. ज़्यादा इची मतलब उसमें ज़्यादा खुजली होती है और वो पेनफुल नहीं होते. पेम्फिगस फुलेशियस डजंट कॉज माउथ ब्लिस्टर्स. और इसमें माउथ ब्लिस्टर्स नहीं होते फुलेशियस में. एज यू कैन सी ओवर हियर, ये माउथ ब्लिस्टर्स है पेशेंट के. और इन माउथ ब्लिस्टर्स की वजह से पेशेंट सही से स्वॉलो नहीं कर पाता, खाना नहीं खा पाता. एंड दीज आर द ब्लिस्टर्स ऑन द बैक. और ये ब्लिस्टर्स देखो, ये ब्लिस्टर्स फट गए हैं एंड इट हैज़ नाउ स्टार्टेड ब्लीडिंग. और इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है.
पैम्फिगस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? पैम्फिगस किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता, किसी वायरस की वजह से नहीं होता, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब हमारा ही इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, तभी पैम्फिगस होता है। नॉर्मली योर इम्यून सिस्टम प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट ऑफ हार्मफुल इन्वेडर्स सच एज वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया, बट इन पैम्फिगस द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट डैमेजेस सेल्स ऑफ योर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। तो पैम्फिगस में क्या होता है कि बॉडी ऐसे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है जो अपने ही स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स को डैमेज करने लगता है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसीलिए ये कॉन्टैजियस भी नहीं है। पैम्फिगस इज इन कॉन्टैजियस। अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता तो ये कॉन्टैजियस होता, ये फैल नहीं सकता, एक दूसरे से नहीं फैल सकता। हर स्किन डिजीज़ कॉन्टैजियस नहीं होती एक दूसरे से, ये ज़रूरी नहीं है कि स्किन डिजीज़ है तो मतलब ये एक दूसरे से फैलेगी। उसका कॉज भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से है तो ये फैल सकती है, लेकिन अगर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से तो ये फैल नहीं सकती। इन मोस्ट केसेस इट्स अननोन व्हाट ट्रिगर्स द डिजीज़। तो बहुत सारे कंडीशंस में ये अननोन होता है कि किस वजह से डिजीज़ ट्रिगर हुई है। Rarely, pemphigus is triggered by the use of angiotensin-converting enzyme inhibitors, penicillamine and other drugs. कुछ drugs की वजह से ये trigger हो सकता है, जैसे कि ACE inhibitors, जो हम hypertensive patients को देते हैं। ये एक anti-hypertensive drug है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, और ये हम हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को देते हैं। और पेनिसिलामीन ये एंटीबायोटिक है, और कुछ और ड्रग्स की वजह से ये ट्रिगर हो सकता है। पर मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल में स्किन वार्ड में देखा है, एक छोटे से बच्चे को पैम्फिगस था। तो पैम्फिगस यहाँ पे लिखा है कि पैम्फिगस यूजुअली अकर एट द मिडिल एज और इन ओल्डर पीपल, बट आई हैव सीन अ यंगर बॉय हैविंग पैम्फिगस। मतलब वो सिर्फ 8-10 साल का ही बच्चा होगा और उसको पैम्फिगस था, एंड इट वॉज़ वेरी पेनफुल टू सी 8-10 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैविंग पैम्फिगस। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। Blisters occur with a number of more common conditions, so pemphigus, which is rare, can be difficult to diagnose. तो ज़्यादातर स्किन कंडीशंस में ब्लिस्टर्स हो जाते हैं और ये पता नहीं चलता कि किस कंडीशन की वजह से ब्लिस्टर्स हो रहे हैं। ब्लिस्टर्स तो बहुत कॉमन चीज़ है, ये कोई भी कंडीशन में हो सकते हैं। और इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डायग्नोस करने के लिए हम स्किन बायोप्सी करते हैं, ये देखने के लिए किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से तो नहीं है ब्लिस्टर्स। और ब्लड टेस्ट में हम एंटीबॉडीज़ देखते हैं, जो एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी अपने ही सेल्स के अगेंस्ट बना रहा है, वो एंटीबॉडीज़ को हम डिटेक्ट करते हैं ब्लड टेस्ट। और एंडोस्कोपी में हम थ्रोट और जो हमारे थ्रोट में जो सोर्स हो गए हैं उन सोर्स को हम चेक करते हैं यूजिंग एंडोस्कोपी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम आती है, वो क्रीम हम देते हैं पेशेंट को लगाने के लिए, या फिर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन पिल्स देते हैं। और ज़्यादा टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं यूज़ करना होता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ करेंगे पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसकी बोन्स वीक हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं पेशेंट को, और पेशेंट का जो फेस होगा वो मून फेस हो जाएगा, राउंड फेस हो जाएगा, बैक पे
उसका एक हम्प सा आ जाएगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा यूज़ करने से। और इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के और भी बहुत सारे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं यूज़ कर सकते। हम पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे सकते हैं, पर अगेन अगर हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि उसका जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो सब क्लीन रहे, क्योंकि पेशेंट को कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और कॉमनली यूज इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग साइक्लोफोस्फामाइड है। साइक्लोफोस्फामाइड हम यूज़ करते हैं पेशेंट को देते हैं जब भी कोई इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मैनी पीपल गेट बेटर विथ ट्रीटमेंट ऑल्दो इट मे टेक ईयर्स। अदर्स नीड टू टेक अ लोअर डोज ऑफ मेडिकेशन इनडेफिनेटली टू प्रिवेंट देयर साइन एंड सिम्टम्स फ्रॉम रिटर्निंग। एंड सम पीपल नीड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, फॉर एग्जाम्पल टू केयर फॉर सीवियर और इन्फेक्टेड सोर्स। तो ये सोर्स जो होते हैं बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं और कभी कभी पूरी बॉडी पे आ जाते हैं, तो उसके लिए हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? इन्फेक्शन ऑफ योर स्किन, इन्फेक्शन दैट स्प्रेड टू योर ब्लड स्ट्रीम, मैल न्यूट्रिशन बिकॉज पेनफुल माउथ सोर्स में मेक इट डिफ़िकल्ट टू ईट। पेशेंट सही से खा नहीं पाएगा, मैल न्यूट्रिशन हो सकता है पेशेंट को। मेडिकेशन इफ साइड इफेक्ट्स सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड इन्फेक्शन, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है पेशेंट को, इन्फेक्शन हो सकता है, डेथ इफ सर्टेन टाइप्स ऑफ पैम्फिगस आर अनट्रीटेड। और अगर कुछ पैम्फिगस हम अनट्रीटेड रहने दें तो पेशेंट को डेथ भी हो सकती है। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस। थैंक यू।